तो कैसे आप सब गाइस, मैं हूं आप सभी का नितेश ठाकुर और आप मेरे साथ देख रहे हो मेट्रो मुंबई। और वक्त हो चुका है हमारे स्पेशल शो फिल्मी मिर्ची का। तो आइए फटाफट अंदाज में एक नजर डालते हैं बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों पर। तो आज की सबसे मिर्ची वाली खबर है हमारी संजय दत्त के बारे में। जी हाँ, संजय दत्त, आप सभी को पता होगा संजय दत्त अपनी फिल्मों के वजह से काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं, चाहे उनकी बात करें पर्सनल लाइफ की चाहे फिल्मी दुनिया की, हर तरफ वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है कि वो फिल्म साउथ की फिल्म एक्टर के साथ वो नजर आने वाले हैं, जल्द ही किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं। और आपको पता होगा संजय दत्त की फिल्म जितनी भी आई थी इसके पहले, चाहे वो पानीपत हो चाहे वो शमशेरा हो, रणबीर कपूर के साथ की गई शमशेरा, लगातार उनकी फिल्म काफी ज्यादा हिट हुई थी। ये बात अलग है कि शमशेरा फ्लॉप हुई थी, लेकिन इसके पहले पानीपत भी आई थी, मूवी काफी ज्यादा हिट हुई थी। अब देखना होगा बहुत ही दिलचस्प कि आने वाली साउथ फिल्मों में फर्स्ट टाइम नजर आने वाले, फर्स्ट टाइम साउथ फिल्मों का साथ देंगे बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त, कितना ज्यादा इनका ये फिल्म अभी हिट हो पाता है। और लोग इनको सोशल मीडिया पर अभी से संजय दत्त की जितनी भी फिल्म आई है इनकी फिल्म को लगातार फिल्म को हिट कराने की मांग कर रहे। ट्विटर पर हैशटैग संजय दत्त भी लगातार ट्रेंड होते रहता है। अब देखना बहुत ही एकदम अजीबो गरीब होगा कि इस तरह से लगातार ट्रेंड हो रहे मामले में कितना ज्यादा बॉयकॉट ट्रेंड इस फिल्म पे असर कर पाता है। तो हमारी छोटी सी इस रिपोर्ट में देखिए, बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने अपने हीरो के रोल से लोगों का जमकर मनोरंजन किया और अब वह फिल्मों में विलन बनकर लोगों का दिल जीत रहे हैं। संजय दत्त ने पहले भी कई फिल्मों में विलन का रोल किया था। संजय दत्त ने बीते दिनों में यश की फिल्म KGF 2, रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा और अर्जुन कपूर की फिल्म पानीपत में विलन का रोल किया है। संजय दत्त की विलन के रूप में अदाकारी लोगों को खूब पसंद आई है। अब खबर आ रही है कि संजय दत्त एक और साउथ की फिल्म में विलन बनकर नजर आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ फिल्मों के पॉपुलर डायरेक्टर लोकेश ने अपनी गैंगस्टर बेस्ड एक्शन थ्रिलर फिल्म के लिए संजय दत्त को अप्रोच किया है। वह अपनी फिल्म में संजय दत्त को विलन बनाना चाह रहे हैं। इस फिल्म में कई विलन नजर आएंगे और संजय दत्त उन्हीं में से एक होंगे। फिल्म में संजय दत्त को 10 करोड़ रुपए की फीस दी जा रही है। इस फिल्म की शूटिंग अक्टूबर या नवंबर में शुरू हो सकती है। ये फिल्म साल 2023 की दिवाली पर रिलीज हो सकती है। संजय दत्त के वर्क फ्रंट की बात करें तो साल 2022 में अब तक 3 फिल्मों में नजर आ चुके हैं। संजय दत्त अप्रैल में रिलीज हुई यश की फिल्म KGF 2 में, जून में रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज में और जुलाई में रिलीज हुई रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा में नजर आ चुके हैं। तो लेकर चलते हैं हम आपको अगली खबर की ओर। जी हाँ, अगली खबर हमारी सलमान खान से जुड़ी हुई। जी हाँ, आपको पता होगा सलमान खान अपनी फिल्म आने वाली फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं। आपको पता होगा ये फिल्म दिवाली पर, इसी साल दिवाली पर रिलीज होगी। इस फिल्म में शहनाज गिल भी अहम भूमिकाओं में सलमान खान के साथ नजर आएगी और लगातार सलमान खान इस फिल्म का नाम भी चेंज करते रहते हैं। कभी वो रखे थे एक था टाइगर, कभी रखे थे सलमान खान का फिल्म किसी का भाई किसी की जान, कभी भाईजान। आपको पता होगा इसके पहले बजरंगी भाईजान का भी नाम बदलकर अलग अलग तरीके से सलमान खान चेंज करते रहते। इसकी पीछे की वजह रियलिटी क्या है अब तक तो साफ नहीं हो पाए कि सलमान खान लगातार अपनी फिल्मों का नाम एक बार जो रखते हैं वो हर बार कुछ ना कुछ नया ट्रेंड करते रहते, अलग अलग सोचते रहते हैं। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि फिल्म को लेकर तो ज्यादा चर्चा में रहते ही है, अब एक अनोखी खबर सामने आई कि सलमान खान एक हिंदू, जो हिंदू में एक उपवास होता है, जैन धर्म का एक अलग धर्म होता है हिंदू में भी, तो जैन धर्म को एक पंडित है जिनका नाम है विजय, वो विजय जो है पंडित जी आचार्य मुनि विजय, उन्होंने 180 दिन का उपवास किया था थोड़े दिन पहले। ये रविवार को उन्होंने 180 दिन का व्रत कंप्लीट किया था। ये 180 दिनों का व्रत करने वाले मुनि जी से कैसे देखिए सलमान खान मिले इस छोटी सी रिपोर्ट में। सलमान खान आजकल अपनी फिल्म किसी का भाई किसी का जान से खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनकी इस फिल्म को लेकर हर रोज नया अपडेट सामने आता रहता है। लेकिन इस सब के बीच दबंग अभिनेता ने जैन भिक्षु आचार्य विजय हसरंतुन सुर से मुलाकात की है। दरअसल जैन भिक्षु आचार्य विजय ने हाल ही में रविवार को छठी बार अपनी 180वें उपवास के लिए पूरे किए हैं। वह ऐसा करने वाले एकमात्र जैन साधु बन गए हैं। यही वजह है कि सलमान खान उनसे मिलने पहुंचे हैं। जैन अनुयायियों के अनुसार सलमान ने आचार्य विजय से आशीर्वाद लिया और जैन धर्म के विभिन्न पहलुओं को, अनुष्ठानों के बारे में भी जाना। इसके अलावा उन्होंने कहा सलमान के अलावा कई अन्य प्रसिद्ध लोग भी
जैन भिक्षु का आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं। तो लेके चलते हैं हम आपको अगली खबर की ओर। जी हाँ, अगली खबर हमारी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा से जुड़ी है। देखिए देखिए, विराट कोहली आजकल अपनी क्रिकेट को लेकर काफी सुर्खियों में है। विराट कोहली पिछले थोड़े ही दिन पहले एशिया वर्ल्ड कप में उन्होंने फर्स्ट टाइम 100 रन से ज्यादा बनाए। इसी को देखते हुए विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने एक साथ फिर से एक टाइम साथ में नजर आए हैं। फर्स्ट टाइम उन्होंने चाय की टपरी पे उन्होंने एक देखा गया है कि कैसे वो दोनों एक साथ अपने पति पत्नी फर्स्ट टाइम चाय की टपरी पर चाय और कॉफी का एंजॉय करते हैं। हमारी छोटी सी इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे विराट कोहली फर्स्ट टाइम अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा के साथ कॉफी विद करण जैसे कॉफी का डेट कर रहे हैं। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा अपने पति विराट कोहली और बेटी वामिका के साथ वेकेशन पर है। इसी बीच इस कपल ने कुछ नए फोटोज सामने आई है जिसे खुद अनुष्का शर्मा ने पोस्ट किया है। तस्वीरों में दोनों साथ बैठे ठंड कॉफी का मजा लेते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा तीसरी तस्वीर दोनों साथ में सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। अनुष्का और विराट क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। दोनों ओपन एरिया में कॉफी टेबल पर बैठे हैं। फोटो में अनुष्का से गुलाबी रंग के जॉगर्स के साथ ब्लैक कलर की स्वीट शर्ट पहनी है। इस दौरान एक्ट्रेस नो मेकअप लुक में नजर आ रही है तो वही विराट ब्लैक जीन्स और ऑलिव जैकेट में पहने नजर आ रहे हैं। इन फोटोज के कैप्शन की बात करें तो हार्ट इमोजी बना हुआ है। इन तस्वीरों में कई फिल्म स्टार्स कमेंट कर चुके हैं। इतना ही नहीं, अनुष्का शर्मा के भाई ने भी गणेश शर्मा ने कमेंट करके हार्ट इमोजी बनाया है। वही रणवीर सिंह, शिवानी दांडेकर और जोया अख्तर ने भी हार्ट इमोजी बनाया है। इससे पहले भी एक्ट्रेस ने अपने फोटो शेयर की थी जिसमें वो यूके के पार्क में बेटी संग कुछ खूबसूरत पल बिताती दिखाई दे रही है। तो अगली खबर है हमारी फिर से ब्रह्मास्त्र की ओर। जी हाँ, आज बॉलीवुड पर बॉक्स ऑफिस पर लगातार फिल्म हिट होती जा रही है। ब्रह्मास्त्र को लेकर हर तरफ चर्चाएं हो रही है। ये फिल्म पूरी तरह से हिट हुई है। अब तक का मानना है ये फिल्म हिट हो गई है और आपको बताते चले ये फिल्म अब तक 250 करोड़ के पार पहुंच गया है। वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में देखा जाए तो इसकी कमाई 250 करोड़ से ज्यादा पार हो चुकी है और सिर्फ इंडिया में 150 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है। तो इसका मतलब है ये फिल्म 400 करोड़ की बनी बजट में बनी है फिल्म। मुझे लगता है ऐसा रिपोर्ट्स में दावा ये फिल्म हिट हो गई है और आने वाले समय में और भी ज्यादा हिट हो पाएगी। इसने रविवार के दिन ही ये फिल्म ने 100 करोड़ से भी ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया था एक दिन में, यानी फिल्म वीकेंड पर ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर ली। तो इसका मतलब तो है ये फिल्म तो काफी ज्यादा हिट हो चुकी है। और ऑन स्क्रीन रणवीर कपूर और आलिया भट्ट को पहली बार देखा गया। लोगों ने इनकी जोड़ी को भी काफी ज्यादा पसंद किया है। रिपोर्ट्स पे ऐसा दावा किया है इसने साउथ की फिल्मों को भी पीछे छोड़ के ब्रह्मास्त्र ने अपनी जगह बना ली है। साउथ की फिल्म इसके पहले सीता रमम आई थी जिसमें मृणाल ठाकुर लीड रोल में थी और उसके पहले भी फिल्म आई थी पानीपत जो कि बिल्कुल भी हिट नहीं हुई थी, ज्यादा हिट नहीं हुई थी, फिर भी हिट हुई थी। लगातार अब मानना है कि कार्तिकेय 2 जो कि साउथ फिल्मों में सबसे कम बजट में फिल्म है वो भी काफी ज्यादा हिट हुई थी। लेकिन ब्रह्मास्त्र के मामले में ये थोड़ी पीछे है। इन्होंने एक दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा तो पार किया था लेकिन उसके बाद से इनकी कमाई लगातार धीरे होती जा रही है। ऐसे में मानना है कि ये फिल्म ब्रह्मास्त्र जो कि साउथ की फिल्मों को भी पीछे छोड़ चुकी है। तो हमारी छोटी सी रिपोर्ट में देखिए कि कैसे 6-7 फिल्मों की बिग बजट फिल्मों को ही पीछे छोड़कर ब्रह्मास्त्र टॉप पे पहुंच गया है। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र चर्चा ही नहीं हैरानी और शौक का भी विषय है। मिले जुले रिव्यूज के बावजूद पहले ही दिन के फिल्म जिस तरह का कलेक्शन कर रही है वो अद्भुत है। इस पूरे साल बॉक्स ऑफिस पर सूखा झेल रहे बॉलीवुड के लिए अयान मुखर्जी की फिल्म बहारे लेकर आई है। पहले 3 दिन मिलाकर ब्रह्मास्त्र ने हिंदी में 112 से 20.0 करोड़, इंडियन में 124.50 करोड़ और वर्ल्ड वाइड करीब 226.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर डाला है। सोशल मीडिया के बॉयकॉट और नेगेटिव परसेप्शन और खराब रिव्यू मिलने के बावजूद फिल्म के बॉक्स ऑफिस आंकड़े शानदार हैं। इस तूफानी कलेक्शन से ब्रह्मास्त्र ने कुछ बड़े रिकॉर्ड भी बना डाले हैं। बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक बम्पर कलेक्शन करने वाली बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में सबसे ऊपर ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की वॉर है। इसने अपने ओपनिंग डे पर यानी पहले दिन 53.35 करोड़ का कलेक्शन किया था। इस लिस्ट में ब्रह्मास्त्र 8वें नंबर पर है। तो अगली खबर है हमारी सलमान खान से जुड़ी हुई और राखी सावंत से जुड़ी हुई। जी हाँ, आप सभी को पता होगा सलमान खान का बिग बॉस जो कि काफी ज्यादा सुर्खियों में रहता है।
सलमान खान हमेशा बिग बॉस के लिए हमेशा बुक रहते हैं और ये शो का प्रोमो भी कलर्स चैनल वाले ने जारी कर दिया। अब सभी को पता होगा ये जो शो है बिग बॉस अगले महीने में टीवी पर कलर्स पर दस्तक देगी और इस रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि राखी सावंत ने एक बड़ा खुलासा किया इस शो को लेकर। राखी सावंत कह रही है इस शो में अगर वो आएगी तो ये शो काफी ज्यादा हिट हो जाएगा और इसमें मानना है कि वो आदिल खान अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी भी कर लेगी। तो हमारी छोटी सी रिपोर्ट में देखिए ये बात कितनी सच है। टीवी के पसंदीदा रियलिटी शो बिग बॉस 16 का प्रोमो जारी कर दिया है। प्रोमो में सलमान खान ने सभी को बड़ा सरप्राइज देते हुए बताया है कि इस बार खुद बिग बॉस भी खेलते हुए दिखाई देंगे। शो में हिस्सा लेने जा रहे कई सेलिब्रिटीज के नाम सामने आए हैं। ऐसे में हर कोई ये जानने के लिए बेताब है कि सलमान खान के शो में किन किन सेलिब्रिटीज का जलवा देखने को मिलेगा। सुनने में आ रहा है कि बिग बॉस 16 में पुराने कंटेस्टेंट्स को भी आने का मौका मिलेगा। इसी बारे में बात करते हुए राखी सावंत ने एक बड़ा खुलासा किया है। एक्ट्रेस ने बताया है कि अगर शो में उन्हें आने का मौका मिलता है तो वो बॉयफ्रेंड आदिल खान दुर्रानी के साथ बिग बॉस के घर में शादी करेंगी। राखी सावंत से जब पूछा गया कि आदिल खान दुर्रानी के साथ झलक दिखला जाए या नच बलिए डांस रियलिटी शो में भाग लेने के लिए तैयार है, इस बारे में राखी सावंत ने कहा, आदिल मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है, मेरा सांस है, मेरी DNA है, मेरा कलेजा है, वह मेरा फाफड़ा है, वह मेरी किडनी है, आदिल मेरे लिए सब कुछ है, इसीलिए मैं उनके साथ नच बलिए और झलक दिखला जाए शोज करना पसंद करूंगी। उन्होंने कहा, मैं बिग बॉस सहित सभी रियलिटी शो में साथ उनका करना चाहती हूँ। सलमान खान के शो बिग बॉस के बारे में बात करते हुए राखी सावंत ने कहा, मुझे पता नहीं है कि मैं शो का हिस्सा बन पाऊंगी, ये सब जनता के साथ में है, सलमान भाई के हाथ में है, देखा है मेरा रोमांटिक एंगल और प्यार नहीं देखा है, मुझे कोई लड़का ऐसा मिला ही नहीं, लास्ट टाइम जो भी था वो एक्सपीरियंस काफ़ी बुरा रहा, अब मेरे पास आदिल है और आदिल का दूसरा नाम प्यार है और रोमांस है। राखी सावंत ने आगे कहा, इस बार अगर हमें एक कपल के रूप में बिग बॉस 16 में जाने का मौका मिलता है तो इस बार हम जाएंगे, प्यार भी करेंगे और मस्ती भी करेंगे, सलमान खान को बोलेंगे अब वो मेरे कन्यादान कर दो भाई, जल्दी से निकाह करवा दो जल्दी से, इस शो में सिंगल जाएंगे लेकिन मिंगल होकर बाहर निकलेंगे। तो ये थी बॉलीवुड की ताजा बड़ी खबरें। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेट्रो मुंबई।